क्या कभी केले से नींबू उगते देखे हैं? आज मैं आपको बताऊंगा, ये सिगरेट, जान लीजिए सिगरेट क्या है। आज तक आपने ये केला घर पर खाने के लिए इस्तेमाल किया है, आज मैं आपको बताऊंगा इस केले से कैसे हम नींबू को उगा सकते हैं और अपने घर पर इसका नींबू का नींबू के आज के टाइम में 250 रुपए किलो हो चुके हैं, तो इसलिए आप घर पर नींबू, इस केले की मदद से नींबू को अपने घर पर ही पेड़ उगा सकते हो। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये केला है हमारे पास, इस केले को छील लेना। ये देखिए ये केला, इस केले से कैसे मैं नींबू आपके सामने उगा कर दिखाऊंगा। सबसे पहले हमें एक ड्रिल का इस्तेमाल करेंगे और ड्रिल से इस पे बिल्कुल सेंटर में छेद कर लेंगे ऐसे करके, ऐसे इस तरह से हमें इस पे छेद करना। दोस्तों ये केला हमारे, ये जो नींबू है हमारे शरीर के लिए इतना ज्यादा फायदेमंद होता है, इसलिए सभी से मैं ये कहता हूं कि अपने घर पर एक नींबू का पेड़ जरूर लगाएं। ये सेक्रेट मैं आज आपको बता रहा हूं किस तरह से, ये मैंने एक नींबू, इसे देखिए केले में छेद को कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को ये नींबू नींबू लेना है और नींबू को इस तरह से आप बीच से काट सकते हो नींबू को, और दोस्तों ये चीज ध्यान देने वाली है कि आपने जो नींबू लेना है पीला नींबू लेना, पीले नींबू के बीज होते हैं वो, एक उगने के लिए जर्मिनेशन इनकी बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए आप पीले नींबू को हमेशा इस्तेमाल करें। और ये मैंने इस गिलास लिया है, कांच का गिलास, और गिलास में पानी को पानी लिया है, और इस तरह से मैं इसके बीज है, जो नींबू के बीज है, इस तरह से ये निकालता रहूंगा इसमें से। ये देखिए इस तरह से, ये हमारे शरीर के लिए इतना ज्यादा फायदेमंद होता है नींबू, इसको गर्मियों में हम पानी में शरबत बना के हर चीज में इस्तेमाल करते हैं, सलाद में इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए घर पर नींबू उगना बहुत ही जरूरी है। और इस केले में किस तरह से ये उगेगा, ये मैं अभी आपको सिगरेट बताता हूँ किस तरह से ये वर्क करेगा, ये सारा प्रोसीजर में आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा इसके लिए। ये देखिए ये सभी बीज हम इस तरह से इसके बीज क्यों निकाल डालते लें। हैं? ये बीज इसलिए डालने पड़ते हैं हमारे को कि ये बीज से ही है ना, जो अच्छे बीज होते हैं ये पानी में इसलिए डालने होते हैं क्योंकि इनका जो नींबू का जहर होता है वो निकल जाएगा इनसे। और ये बीज को मैं अभी बताता हूँ क्या करना है आगे का प्रोसीजर, तो देखते रहिए। ये देखिए अब मैंने इस नींबू के इसमें अंदर बीज लिया, अब मैंने क्या करना है, इसको ऐसे पानी से इसको अंदर से कर लेना। और ये मेरे बीज इस गिलास के अंदर आ जाएंगे। अब मैंने क्या करना है, एक टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना है, ये देखिए मैंने एक टिश्यू पेपर को लिया है और इस टिश्यू पेपर के ऊपर मैं इन बीज को ऐसे करके अलग अलग करके इसको रख दूंगा और इसको फोल्ड कर दूंगा थोड़ी देर के लिए। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। अब नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ अभी आपको बताता हूँ, ये जो मैंने केला लिया है इस केले के अंदर बीज को किस तरह से लगा के दिखाता हूँ अभी, आपका नेक्स्ट प्रोसीजर ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये मैंने केला जो छेद किया है इसके अंदर एक प्लकर की सहायता से ऐसे करके, बीज को हाथ में लगाना होता नहीं हाथ नहीं लगाना है बीज को, इसको ऐसे इस तरह से इसके अंदर हम डालते रहेंगे। और दोस्तों एक चीज ध्यान देने वाली है, जो हमारे ये इसका सिरा होता है ये अंदर की तरफ करना होगा, जो बीज का नींबू के बीज का सिरा है वो अंदर की तरफ ऐसे इसको करना है। ये देखिए है। इस तरह से हमें ये इस तरह से इसके अंदर डाल देना है और एक एक बीज को ऐसे इस तरह से इसके अंदर हम लगाते रहेंगे इसको। गिलास
गर्मियों की हर घर की जरूरत होती है। ये गर्मियों की हर घर घर की जरूरत होती है। इसके बाद मेरे को क्या करना है, अब मैं इसके अंदर, मेरे पास कंपोज खाद है, थोड़ी सी कंपोज खाद इसके ऊपर ऐसे करके ऐसे लगा दूंगा। केले को क्यों लेते हैं, इसमें मॉइस्चर बना रहता है। इस केले के लिए जर्मिनेशन के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है कि ये अगर हम दूर से कहीं पौधे को लाते हैं तो सूख जाता है, और ये इसमें बहुत ही जल्दी, आप इस कंपोज, ये जो वेरी कंपोज खाद है, इसकी जगह आप इस वो नारियल का बुरुद्धा भी ले सकते हैं, और इस तरह से हमें ये इसको पत्तों की खाद है। पत्तों की खाद है ये, आप नारियल, अगर ये कंपोज खाद उपलब्ध नहीं हो तो आप इसकी जगह नारियल का बुरुद्धा भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें भी ये रिजल्ट दिखाए हमें। आपने पहले लगाया हुआ है घर में? देखिए सर, मैंने ये मैंने पहले उगा रखा है ये पौधे, पहले मैंने केले में से ऐसे करके उगाया है, और इसका क्या है कि ये मेरा 30 दिन का हो चुका है, 30-35 दिन के आसपास का हो चुका है ये पौधा मेरा, और ये पौधा मैंने पहले लगाया हुआ है। ये पौधा देखिए, ये पौधा 50 दिन का हो चुका है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसकी जड़, इसकी जो रूफ है कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है अंदर से, मैं दिखाता हूँ, और दूसरी जगह कैसे हमने ट्रांसप्लांट कर सकते हैं इसको, वो सारा बताता हूँ मैं आपको। अब देखिए ये केला है, इसकी मैं आपको रूफ दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए इस केले की रूफ इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से, इधर दिखाता हूँ, ये इस तरह से रूफ अपनी छोड़ देगा। ये 50 दिन का हमारा पौधा हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा इस पौधे को, दूसरी जगह 50 दिन का पेड़ होने के बाद आप इसको एक दूसरी जगह से ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। देखिए मैंने गमले में, या आपके पास कोई पॉट है या कुछ भी है तो उसमें आप इसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, और इसके लिए बेस्ट तरीका यह है कि आप कंपोज खाद ले सकते हो, नारियल बुरुदा ले सकते हो, आपके पास जो इस्तेमाल होता है। तो ये रूफ को हमें अच्छी तरह से, मतलब बिल्कुल एक पहले इसको छेद कर लेना एक अच्छी तरह से, मैंने इसमें पहले से ही इसमें कंपोज मिलाई हुई है, तो ऐसे करके इसको ये यहां पर, और इसके बाद आप क्या करना है, ये पानी से इसको इस तरह से आप इस तरह से आप एक नींबू को एक अच्छी तरह तरीके से घर पर, ये मैंने जो नींबू आपको दिखाया ये वो नींबू का सीड्स है, जिसपे बहुत ही ज्यादा आप घर पर अपनी बालकनी में, आप अपनी छत के ऊपर, तो गमले में ये पेड़ उगा सकते हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से इसका घर पर ही नींबू का फायदा ले सकते हैं। दोस्तों थैंक यू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।